हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई नो मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ माइनक्राफ्ट के क्लोन्स जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। एंड इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, उसका रीजन मैं आपको नहीं दे सकता बिकॉज मुझे नहीं पता। चलो अब इन बातों को छोड़ देते हैं और अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा शायद। चलो अब बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो पहले गेम का नाम है मिनी ब्लॉक क्राफ्ट 3D। सो अब हम इसको खेलते हैं और इसमें पहले से वर्ल्ड आते हैं। सो हम ब्यूटीफुल मैंसन में चलते हैं, कैसा होता है ये क्रिएटिव वर्ल्ड है। सो हम वर्ल्ड में आ चुके हैं और इसके ग्राफिक्स थोड़े मतलब 3D टाइप के ही हैं और मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। और ये भाई बंदा बहुत फनी है यार। चलो अब इस मैंसन के अंदर चल, इसकी ब्रेकिंग एनिमेशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइन टाइप की है। अब इस मैंसन के अंदर चलते देखते हैं कि इंटीरियर कैसा है। सो भाई सब इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक पियानो भी है। इस गेम के कंट्रोल थोड़े अजीब हैं, तो जल्दी से अब नेक्स्ट गेम में चलते हैं। सो हमारा अगला गेम है रियल में क्राफ्ट, रियलमी वालों ने बनाया है क्या। इसके अंदर तीन मोड होते हैं, क्रिएटिव, सर्वाइवर। सो हम लोग सर्वाइवर में ही चलते हैं। सो इस गेम से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं क्योंकि इसके ग्राफिक्स भी थोड़े ठीक हैं और मतलब कंट्रोल भी थोड़े अच्छे। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने गेम भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग, उसमें से कोई गेम भी ख़राब नहीं है। जितने क्रिएटर्स ने ये गेम बनाए उनने मेहनत ही की है। सो सबको थम्स अप। सो यहाँ पर मुझे एक पिक दिख रहा है, हम उससे जाते मिलते हैं। हेलो पिक, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। भाई यार तू यार इग्नोर कर रहा है यार, तूने इग्नोर मुझे किया है, इतना फनी है भाई ये। इस गेम का वाटर भी बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट से ही मिलता जुलता है। इसके अंदर भाई क्या एनिमेशन है। यहाँ पर भाई फिश भी हैंगी और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैंगी, माइनक्राफ्ट की तो बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे चोर बाजार से उठाई हूँ। और यहाँ पर यहाँ पर तो भाई सब वर्ड भी हैं, माइनक्राफ्ट वालों को सीख लो भाई। यहाँ पर तो बदक भी हैगी यार, बदक है मुर्गी। हेलो ओबे, यहाँ पे भाई कितने रियलिस्टिक जानवर है। यहाँ पे एक बैल है और यहाँ पे एक भालू भी है भाई। माइनक्राफ्ट वालों तो इस गेम से एनिमल्स के लिए इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मम्मी बचाओ मम्मी। ये साउथ पोल का सुअर। यहाँ पर एक हॉर्स भी है जिसमें टीम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम इसमें सिट नहीं कर पा रहे भाई, बिठा ले। ओए अबे मर गया भाई, ऊपर एक आत्मा सी गई। एनिमेशन तो बहुत मस्त है यार भाई, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो हमारा अगला गेम है ब्लॉक क्राफ्ट और शुरू होकर ही हमें एक ट्रेलर देखने को मिल रहा है। सो हम ट्रेलर देख लेते हैं कैसा है। ओके, सो गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल बता रहा है। सो हमें इसमें एक घर मिलता है जिसमें हमें बस ब्लॉक प्रेस करना है। सो अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये गेम मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसके मुझे कंट्रोल भी समझ में नहीं आया और इसमें करना क्या है वो भी नहीं आया। सो गेम तो अच्छा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, आपको आ जाए और आपको अच्छा लगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो नेक्स्ट गेम है लॉकी क्राफ्ट और ये गेम बहुत पॉपुलर है, तो हम अपने वर्ल्ड का नाम देंगे आई डोंट लाइक लॉकी। गाइज लौकी खाना चाहिए, लौकी खाना एक बहुत अच्छी बात होती है। सो गेम स्टार्ट हो चुका है, इसकी इन्वेंट्री में हमें ब्लॉक मिल जाते हैं। अगर आपको पता हो तो माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन में भी मिलते थे। चलो मैं थोड़ी प्रोग्री बताता हूँ। सो इसके ग्राफिक्स आपको थोड़े माइनक्राफ्ट जैसे ही मिल जाते हैं लेकिन थोड़े अलग, और एनिमल भी थोड़े से ही अलग हैं। और बकरी तेरी। अब इसका वाटर भी देख लेते हैं थोड़ा अंदर जाके। भाई वाटर में तो यह बहुत डार्क है, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं रहा है। सो यहाँ पर माइनक्राफ्ट की तरह आपको जगह जगह पर पंपकिन भी मिल जाएंगे। और पिग भाई, तू सलमलू भाई को जानता है क्या? मैं आ जाऊँ क्या? अरे अरे सॉरी, गलती से लग गया यार। सो ये गेम भी ठीक ही है, मतलब आप जरूर ट्राई करना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो नेक्स्ट गेम है यूनिटी की तरफ से जिसका नाम है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। और भाई इसका जो बैकग्राउंड है भाई बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसमें भाई स्किन का इंटरफेस तो सेम माइनक्राफ्ट की तरह है, मतलब बिल्कुल सेम है। तो अब हम लोग इसमें वर्ल्ड जनरेट करते हैं। मैं भाई जब पहले से कितने सारे वर्ल्ड आते हैं, मेरा मन कर रहा है इस पेट्स वाले वर्ल्ड में जाने का। सो चलो चलते हैं।
हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में, और यहाँ पे भाई साहब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या कहेंगे अपन लोग, बहुत अजीब अजीब चीजें सी रखी हैं, इनका यूज मुझे नहीं पता। और इसका क्रॉस हेयर भी बिल्कुल पेट के लाइक जो पंजा होता है उसकी तरह है। अब हम लोग जल्दी बाहर चलते हैं और देखते हैं। और भाई ये इतना सही वर्ल्ड है क्या, और यहाँ पे भाई पेट्स कहाँ मिलेंगे। और भाई इसके कंट्रोल्स कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तक जितने हैं सबसे बेकार कंट्रोल्स हैं, क्योंकि ऊपर कर रहे हैं तो नीचे आ रहा, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा। और इसमें हमें भाई करना क्या, ये क्या है, यहाँ पे हीरो बनाया जाएगा क्या भाई, इसमें तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बटन प्रेस किया मैंने, कुछ हुआ क्या, बटन प्रेस करने से भी कुछ नहीं हो रहा है इस गेम में, पता नहीं क्या करना है यहाँ पे। भाई ये क्या है, ओ भाई भाई एनिमेशन तो बहुत प्यारे हैं। और ये हम कहाँ पे आ गए, हम लोग एक घर में स्पॉन हो चुके हैं, और यहाँ पे पेट्स लिखा रहा है। भाई यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है, और ये कौन है भाई, यही तो नहीं है पेट्स, नहीं यार ये तो कुछ और ही है। हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। नीचे आ चुके हैं हम लोग, और भाई लैग क्यों कर रहा है था। यहाँ पे हम लोग दो रोपन करके बाहर चलते हैं, और यहाँ पे एक टॉक्स आ रहा है कि टॉक टू गार्डन बॉट आउटसाइड। यहाँ पे दरवाजा तो बंद है यार, बाहर कैसे जाएं। शायद ये हैगा गार्डन बॉट, हम लोग इससे बात करते हैं। हमें एक मैप दिया है इसने, हम लोग जो चलते हैं। और यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, और ये बहुत लैग कर रहा है, मैं इसको नहीं खेल पाऊँगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।